हर हर महादेव, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शांति गंगा। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी पाना चाहते हैं बुद्धि और विद्या, तो 26 जनवरी वसंत पंचमी के अवसर पर आपको इन उपायों को जरूर कर लेना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग उपाय मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, माघ शुक्ल की पंचमी यानी वसंत पंचमी विशेष महत्व रखती है। वसंत पंचमी का पर्व कई तरह से महत्वपूर्ण होता है। त्रेता में भगवान राम इसी दिन माँ शबरी के आश्रम में पहुंचे थे। इस दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी, और इसलिए यह प्रकृति में जीवन रस और ज्ञान के प्रसार का उत्सव भी है। मित्रों, वसंत पंचमी इस साल 26 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ज्ञान, कला और संगीत के प्रतीक माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। भारत में ऋतुओं को 6 भागों में बांटा गया है, और उनमें वसंत का सर्वाधिक महत्व है। इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु के आते ही प्रकृति में चारों ओर रंग ही रंग नजर आते हैं। इस समय प्रकृति का कण कण खिल उठता है, और प्रकृति के इस स्वरूप को देखकर समस्त जीव उल्लास से भर जाते हैं। वैसे तो माघ मास का पूरा ही महीना उत्साह का संचार करने वाला होता है, लेकिन फिर भी माघ शुक्ल की पंचमी यानी वसंत पंचमी विशेष महत्व रखती है। वसंत पंचमी पर्व का कई तरह से महत्व है। त्रेता में भगवान राम इसी दिन माँ शबरी के आश्रम पहुँचे थे। इस दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी, और इसलिए यह प्रकृति में जीवन रस और ज्ञान के प्रसार का उत्सव भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से बुद्धि, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए बात करते हैं कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से हमें बुद्धि, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होगी। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण विद्यार्थियों को शिक्षा में उचित परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसे में उन्हें वसंत पंचमी के दिन से ही पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर के दिशा में पढ़ाई करानी चाहिए। इस दिशा को ध्यान एवं शांति का केंद्र भी माना जाता है। इस दिशा में पढ़ाई करने से विद्यार्थी का मन मस्तिष्क एकाग्रचित रहता है। अगला दोस्तों, आपको कौन सा उपाय इस दिन से करना है? जिन छात्रों को पढ़ाई में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या वह एकाग्रता से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें वसंत पंचमी के दिन ओम एं सरस्वते एं नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि मंत्र का जाप स्वच्छ आसन पर बैठकर और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही किया जाना चाहिए। दर्शकों, दाम्पत्य जीवन में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन भगवती रति और कामदेव की पूजा करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित आपको करने चाहिए। अगला उपाय दोस्तों जो आप कर सकते हैं इस दिन विद्यार्थी माता सरस्वती को केसर या पीले चंदन का टीका लगाएं और पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें। साथ ही पूजा स्थल पर किताब और कलम अवश्य रखें। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहती है, और विद्यार्थी को ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक का आशीर्वाद मिलता है। दर्शकों, वसंत पंचमी के दिन बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ ना कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षारंभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करने लगेगा। अक्षरारंभ करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्लेट जो लेनी है आपको काले रंग की ही लेनी है, और ऐसा करने से बच्चे शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। माता शारदा के पूजन के लिए भी बसंत पंचमी का दिन विशेष शुभ रहता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पीले मीठे चावलों का भोजन कराया जाना चाहिए तथा उनकी पूजा भी की जानी चाहिए। माँ शारदा और कन्याओं का पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त्र और आभूषण कुमारी कन्याओं व ब्राह्मणों को दान करने से परिवार में ज्ञान, कला व सुख शांति की वृद्धि होती है। तो आप इन उपायों को जरूर करें दोस्तों। जो भी आपको आसान लगे आप उस उपाय को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस दिन पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। तो आप यदि कुछ नहीं कर सकते तो आप पीले फूल लीजिए और शिवलिंग की पूजा जरूर कीजिए। शिवलिंग पर पीले फूल और गंगा जल अर्पित कर आप अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के उपाय। आपको कैसे लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए, नए नए उपायों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।